रात के 9 बजे हैं और हम छत पर आए हैं सैर करने के लिए। आरव छुप गया है। आरव को पता है कि मैं उसे वीडियो में लूंगी, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। हम सब सैर कर रहे हैं इस टाइम, और सैर करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अक्षर भी है साथ में, हमको भी इंजॉय कर रहे हैं। खाना खाने के बाद हम डेली छत पर आते हैं और वॉक करते हैं। चलो थोड़ी बातें करते हैं। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही वाइट वॉश करवाई। आरव फिर चुप रहा है, और अक्षत भी वाइट वॉश कराई। अभी अपने घर में बहुत ही काफ़ी चहल पहल हो रखी थी, और सफाई करते करते इतना टाइम लग गया मुझे कि बहुत ही टाइम लग गया। काफ़ी मतलब कहते हैं कि जैसे दिवाली से पहले शुरू हुआ था, फिर बीच में हमने रोक दिया था ताकि पूजा भी करनी थी, इस वजह से फिर बाहर का आउटर एरिया उन्होंने सब बाद में किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट 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 और ग्रे कलर करवाया हमने, और उससे बहुत अच्छा लग रहा था, रोशनी भी बहुत अच्छी है घर में। अब मैं बैठ गई हूँ, थक गई थी थोड़ा सा, अब फिर खड़ी हुई हूँ। तो अच्छा लगा, मतलब ये वॉक करके खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो खाना खाने के बाद जरूर वॉक करें, ये मेरा सजेशन है। वैसे जैसा आपको अच्छा लगे वही करें आप। चारों तरफ चहल पहल है, और कल गुरुपुर भी है, तो गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ का भी हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे। कैसे मतलब गुरुद्वारे में लंगर लगता है, कैसे वहाँ पर सेवा होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी बहुत अच्छा त्यौहार है, क्योंकि मैं आपका चारों तरफ का दिखा रही हूँ। रोशनी तो है ही है सारी जगह, पर अभी लोग सर्दी की वजह से शायद अंदर हैं घर में, सब अपने सोने की तैयारी कर रहे होंगे, और हम इस वक्त छत पर थोड़ा आउटिंग हो गई हमारी, और अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।